दोस्तों आज क्लास चौथा क्लास है, नंबर सिस्टम का तीसरा क्लास है। आज है नंबर सिस्टम का तीसरा क्लास होने वाला है। ये जो है तीसरा क्लास का ये वीडियो बन रहा है। देखिए बोलता है क्वेश्चन, यदि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है तब 4x प्लस 2y बराबर होगा। तो x और y के जगह पर हम क्या रखेंगे ताकि जो है इसमें पुट कर देने पर हमारा आंसर मिल जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है डबल वेरिएबल वाला इक्वेशन दे रहा और यहाँ पर कुछ दे ही नहीं रहा, बल्कि इसका जो है वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए x के जगह पर क्या रखे और y के जगह पर क्या रखे अपने अंदाज से बाई ऑप्शन लेंगे, क्या रखेंगे ताकि जो है ना ये इक्वेशन भी सेटिस्फाइड हो जाए और ये जो मान यहाँ पर रखे हैं वही मान यहाँ पर पुट कर दे तो वो हमारा आंसर दे देगा। तो देखिए अगर x के जगह पर हम रख देते हैं 2 और y के जगह पर रख देते हैं 1 तो 2 × 4 = 5 हो जाएगा। अब देखिए x का मान 2 रखे हैं यहाँ पर तब ना 5 आया है और y का मान 1 रखने पर 5 आया है। अब देखिए 4 × 8 और 2 × 1 = 2, 4 × 8 = 2 कितना हो गया 10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया 10। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 बोलता है कि एक चिड़ियाघर वाले ने जानवरों के सिरों को गिना तथा पाया कि उनकी संख्या 80 है। तो देखिए जब सिरों की संख्या 80 है इसका मतलब जो है ना 80 को जानवर है, और जानवर के साथ साथ जो है ना आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं उसके बाद जो है इंफॉर्मेशन मिलेगा। जब उसने उन जानवरों के पैरों को गिना तो पाया कि वे 250 है, पैर 250 है, सिर 80 को है। उस चिड़ियाघर में कबूतर थे, घोड़े थे तथा गधे थे। वह गधों और घोड़ों का अनुपात 1:2 है, तो चिड़ियाघर में घोड़े कितने हैं? तो घोड़ों की संख्या निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका जो है सिंपल सा जो है ना एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही इजी वे में इसको बनाने का तरीका है। कैसे बनाते हैं तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चार पैरों वाले जानवरों की संख्या कितना, तो चार पैरों वाले जानवरों की संख्या हमको मालूम करना है। तो चार पैरों वाले जानवरों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, तो चार पैरों वाले संख्या निकालना है, चार पैरों वाले जानवरों की संख्या निकालना है तो क्या करते हैं पैरों की संख्या बटा में 2 कर देते हैं। पैरों की संख्या कितना है 250 है, तो पैरों की संख्या बटा में 2, पैरों की संख्या बटा में 2 माइनस में क्या कर देंगे सिरों की संख्या को कर देंगे, माइनस में सिरों की संख्या हो गया। तो देखो पैरों की संख्या कितना है 250 है बटा में 2, और सिरों की संख्या कितना है, तो सिरों की संख्या है हमारे पास कितना 80। अब देखिए चार पैरों वाले जानवरों की संख्या ये निकल रहा, तो देखिए ये कट जाएगा कितना हो जाएगा 125 माइनस 80 घट गया तो कितना हो गया 45, यानी कि 45 हो गया हमारा आंसर। यानी कि जो ना 45 जो है आपका क्या आया, चार पैरों वाले जानवरों की संख्या आया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ना हमको कबूतर की भी संख्या निकालना है, उस चिड़ियाघर में कबूतर थे तो कबूतर जो है कैसे निकालेंगे, तो चार पैरों वाले जानवरों की संख्या हो गया 45 और टोटल जो है हमारे पास जानवर कितना है 80 है, क्योंकि 80 को सिर है, यानी कि जो है 80 सिर मतलब 80 तरह के जो है जानवर है, तो 80 में से 45 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, यानी कि कबूतर जो है ना मेरे पास कितना हो गया 35 हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ जो है ना गधा और घोड़ा का अनुपात कितना है 1:2 है, यानी कि एस और आपका जो है हॉर्स का जो रेशियो है 1:2 है, और देखिए दोनों को मिलाकर जो है ना कितना आया है चार पैरों वालों की संख्या, ये जो है दोनों तो चार पैरों वाले जानवर है, तो चार पैरों वालों की संख्या कितना हो गया 45, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया अनुपात 3:45, यानी कि अनुपात 1:15 हो गया आपका 15, यानी कि जो है आपको गधा और घोड़ा के जो है अनुपात से हमको जो है संख्या मालूम चल जाएगा, यानी कि जो है ना ये हो गया 15, ये हो गया 15 × 30 हो गया, यानी कि घोड़ों की संख्या 30 और गधों की संख्या 15 हो गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो बोलता है तो चिड़ियाघर में घोड़े कितने थे, तो घोड़े की संख्या जो है हमारे पास 30 है, तो घोड़ों की संख्या 30 हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। अब देखिए एक वृक्ष एक वर्ष में अपनी ऊंचाई के 1/8 भाग के बराबर बढ़ जाता है, 2 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई कितनी होगी,
यदि इस समय इसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो कैसे निकालेंगे इसको। तो देखिए एक वृक्ष जो है ना एक वर्ष में अपनी ऊंचाई के एक बटा आठवें भाग के बराबर बढ़ती है, एक बटा आठवें भाग के बराबर बढ़ती है, यानी कि जो है ना पहले से क्या था एक था और इसके जो है ना एक का एक बटा आठवें भाग के बराबर बढ़ जाती है। तो बोलता है कि दो साल के बाद कितना हो जाएगा, तो इतना ही होगा, पावर दो है दो दे देते, यानी कि इसी तरह का प्रोसेस आगे भी करेंगे तो क्या हो जाएगा पावर दो हो जाएगा। और जो है ना इसकी लंबाई जो है इसकी ऊंचाई कितना है 64 सेंटीमीटर, तो गुने 64 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो हमको जो है ना एक वृक्ष एक वर्ष में अपनी ऊंचाई के एक बटा आठवें भाग के बराबर बढ़ जाती है, तो दो वर्ष बाद उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो दो वर्ष के बाद जो है ना इसकी ऊंचाई इतनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हो गया आठ एक आठ, आठ एक नौ, नौ बटा आठ हो गया और पावर दो है गुने 64। अब देखिए आठ का स्क्वायर 64 हो जाता है, तो 64 से 64 कैंसिल हो गया और 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है, तो 81 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, ये बिहार एसएससी में 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ओके, तो इस तरह के प्रश्नों को हम ऐसे सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी वे में।